ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 24 आत्माराम श्लोक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और इसके बीच में एक स्टोरी आती है मृगारी की, जो कि एक बहुत बड़ा शिकारी था, और न केवल शिकारी था बल्कि खूंखार शिकारी था। वो जानवरों को अधमरा करके उनके पैर तोड़ के छोड़ देता था, और नारद मुनि उनको शिष्य के रूप में एक्सेप्ट करते हैं और उनको पहली इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये जो पाप का जो सोर्स है, जो अक्सर हमारे काम होते हैं, हर काम में पाप इन्वॉल्व रहता ही है, कितने भी शुद्धता से किया जाए, तो बोलते हैं इसको पहले छोड़ो। वो कहते हैं कि तुम्हारे मेरे खाने का क्या होगा, मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा अगर मैंने ये सब छोड़ दिया, तो मेरा परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, मैं अपनी रोजी रोटी छोड़ दूंगा। तो अक्सर हमारे दिमाग में आता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि भक्ति किसी भी कॉस्ट पे मिले उस पर बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार बार्गेनिंग में ना डील हाथ से चली जाती है, कोई और ले जाता है, तो वो तो संसारिक वस्तु है, कोई और ले गया तो ले गया। लेकिन भक्ति एक ऐसी वस्तु है कि यदि हमने बार्गेनिंग कर ली, और थोड़ा बहुत हमने बार्गेनिंग ये कर ली कि चलो अभी तो मेरे को थोड़ा सा काम काज ज़्यादा है, अभी थोड़ा सा कुछ साल रुक जाता हूँ। जैसे कई बार हम कहते हैं कि हम लोग योजना बनाते हैं कि हम बस एक साल बाद हम जब हम फुल टाइम आ जाएंगे, जब हम रिटायर्ड हो जाएंगे, तब हम पूरी तरह से लग जाएंगे। ऐसा कई बार भ्रम हो जाता है। एक भक्त थे जो कि दुबई में गए, और उनकी भक्ति काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन कुछ घर का लोन था, कुछ ऐसी जिम्मेदारियां थी, तो उन्होंने कहा कि प्रभु जी मैं सोच रहा हूँ कि 2 साल अगर मैं दुबई में काम कराऊँगा तो मैं उसके बाद मैं रिटायर्ड हो जाऊँगा, पूरा ज़िंदगी भगवान की भक्ति में लगा दूँगा। तो ये रियल घटना थी, कुछ इस तरह से हुआ कि वो 2 साल में इतने बुरे फंसे उसके बाद कि उसके बाद वो अभी तक वापस नहीं आ पाए। तो और दूसरी बात यह है कि 2 साल किसने देखा है, माना 1 साल 10 महीने में हमारी मृत्यु हो जाए, तो हम ऐसे प्लानिंग कभी भी अच्छी नहीं है कि पहले मैं पूरी तरह से अपने आप को लगा देता हूँ भौतिक चीज़ों में, पैसा इकट्ठा करने में, फिर मैं पूरी तरह से भक्ति में लगा दूंगा। आप भक्ति के लिए तो एक दिन भी वेट नहीं कर सकते। रिटायरमेंट, लोन, ये सब एक अलग प्लानिंग है, ये साथ साथ चल सकती है। जल्दी ऐसा ये प्लान अच्छा नहीं है कि मैं 2 साल पहले पूरा कर लूँ, इससे बेहतर है 10 साल काम कर लो, 15 साल काम कर लो, चुकाते रहो, लेकिन भक्ति को कंटिन्यू करो। भक्ति को छोड़ के कुछ और करके फिर ये सोचना दोबारा भक्ति में आएंगे, ये बहुत ही महंगा सौदा है। इसलिए भक्ति सिद्धांत ने कहा कि कोई भी कैसी भी बार्गेनिंग, कोई बार्गेनिंग करने की जरूरत नहीं है। भक्ति के सामने इसको ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए, रेगुलरली कंटिन्यू करना चाहिए। और ख़ास तौर पर जब हम आश्रम के अंदर हैं, तो ऐसा नहीं है कि आश्रम को आपको पहले ही छोड़ देना है, नौकरियाँ छोड़ देनी है। उस चक्कर में आदमी फालगू वैराग्य, उसके अंदर वैराग्य की भावना टोटली पैदा नहीं है। जब कई बार आदमी छोड़ देता है तो उसके बाद उसके ज़िंदगी में कुछ कमियां आती हैं, तो उसको फिर लगने लगता है काश मैं अभी कमा रहा था तो मुझे ये ना देखना, इधर शक्ल ना देखनी पड़ती, मुझे वेट ना करना पड़ता। उसके बाद वो भगवान पे ही रहता है फिर डिपेंडेंट। इतनी अगर हमारे अंदर आ गई है तभी हम ऐसा करें, लेकिन ये तो विचार बिल्कुल अच्छा नहीं है कि पहले हम कमा लें और उसके बाद में हम भक्ति करेंगे। ये तो सांसारिक बात हो गई, जैसे संसार वाले लोग कहते हैं कि हम 60 साल में 50 साल में भक्ति करेंगे। हाँ, तो नो बार्गेनिंग एट एनी कॉस्ट। इसलिए जो भक्तिमय अनुष्ठान हैं, भक्तिमय अनुष्ठान क्या होते हैं, यज्ञ थोड़ी होते हैं, भक्तिमय अनुष्ठान होते हैं संकीर्तन, भक्तिमय अनुष्ठान होते हैं साथ में प्रसाद पाना, साथ प्रसाद का वितरण, यात्राएं करना, यही सब हैं भक्ति के कार्य। इनमें अगर हम इसमें ये सोच रहे हैं कि अभी तो हम पहले कुछ फोकस काम पे कर लें, तो ये चीज़ें छूट जाती हैं, फिर समय वापस नहीं आता। इसलिए इन चीज़ों के लिए लालायित रहना चाहिए। यू नेवर नो, कल होना हो जैसे हम कहते हैं, इसलिए आज ही जब भी भक्ति के ऐसे मौके मिले। और साथ में हम सुनते हैं कि भगवान कहते हैं तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति यत्र मदभक्ता, जब मेरे भक्त लोग साथ में संकीर्तन करते हैं तो वहाँ मैं बैठता हूँ, रहता हूँ। तो इसलिए ऐसी जगहों में, ऐसे कार्यों में हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, और फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि कैसे काम चलेगा हमारा, क्या होगा। उसका जवाब नारद मुनि देते हैं 262 प्रयार में। आमी तो माए बहु अन्न पाठाई मुदीने से ही अन्न लबे यत खाओ दुई जने। नारद मुनि ने कहा मैं तुम दोनों को नित्य प्रति पर्याप्त भोजन भेज दिया करूँगा,
जिससे तुम इच्छा अनुसार भोजन कर सकोगे। एक साधु क्या किसी को भोजन कराएगा, तो खुद ही साधु है, खुद ही कुछ काम का सोर्स नहीं है, है ना, वो भगवान पे डिपेंडेंट है, उन्हें भरोसा है भगवान मुझे देंगे मैं इनको दे दूंगा। इसी तरह से भगवान आपस में हम भक्त जो है एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां भी सपोर्ट करती हैं, मेडिकल इंश्योरेंस भी सपोर्ट करता है, लेकिन कई बार वो भी फेल हो जाता है। हाँ, लेकिन भगवान का जो सपोर्ट है वही अल्टीमेट सपोर्ट है। और भगवान कहते हैं ना, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा, अगर भगवान मारना ही चाहते हैं तो फिर बच के फायदा ही क्या है, फिर तो मर ही जाना चाहिए। वृत्तासुर को भगवान मारना चाहते थे, और वृत्तासुर भगवान का बहुत ही प्रिय भक्त था। हम जानते हैं जब हम भागवतम पढ़ते हैं वृत्तासुर की स्टोरी, चित्रकूट राजा बहुत ही अच्छे भक्त थे, और बाद में वो वृत्तासुर बने, और वृत्तासुर को भगवान मार डालना चाहते थे। अब वो कही कि देखिए ऐसी भक्ति तो अनोखी है, हमारा मालिक ही हमें मारने को कहे और हमें फिर भी उससे प्यार हो, जरा सोच के देखिए, बड़ा मुश्किल काम है कि कोई हमें मारना चाह रहा हो और हम उसी से प्रेम करना चाह रहे हो। वृत्तासुर ऐसे ही थे, भगवान उन्हें मारना चाहते थे, उनको मारने के लिए भगवान ने इंद्र को बताया कि इनको मारने का रास्ता ये है, दधीचि मुनि की अस्थियां लेके आओ, उससे वज्र बनाओ, उससे इनको मारो, और फिर भी वृत्तासुर पूरा भक्ति में लगा रहता है। इसका मतलब जब भगवान मारना ही चाहते हैं फिर क्या अपने आप को बचाने का प्रयास क्या करना है, बचा भी पाएंगे क्या हम अपने आप को, और क्या उस मारने में ही हमारा फायदा नहीं है इन दैट केस। जब भगवान पूतना जैसे ही राक्षसी को मार के इतना बड़ा पोजिशन दे सकते हैं, तो भगवान अपने भक्तों को मार के तो अच्छा ही करेंगे, उनका तो परम लाभ ही होना चाहिए। तो इस प्रकार से टोटल डिपेंडेंस है यहाँ पर नारद मुनि की, और वही उसी डिपेंडेंस में वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें पर्याप्त भोजन दूंगा, जो कि खुद ही एक तरह के एक साधु हैं, भटकने वाले हैं जगह जगह, और कह रहे हैं इच्छा अनुसार भोजन कर पाओगे। हम बहुत बड़े बड़े नोट कमा लेते हैं, बहुत अमीर हो जाते हैं आजकल के संसार में, लेकिन खाने का टेस्ट हमारे अंदर पास नहीं रहता है, क्योंकि कुछ है ही नहीं, सेवा ही नहीं है, पूरे दिन कुर्सी में बैठना है। हमारे भक्त लोग संकीर्तन करते हैं, उसी में इतना उनकी कसरत हो जाती है, और न जाने कितने काम करते हैं ऐसे जिससे कि उनका सारा काम होता रहता है, और खाने का आनंद भी उनको रहता है, भोजन प्रसाद का आनंद। तो इच्छानुसार भोजन कर पाना एक बहुत बड़ा उपलब्धि है संसार के अंदर, जो कि भक्त कर लेते हैं। ऐसा सुनते थे हम पहले कि इस्कॉन में तो पनीर की नदियाँ बहती हैं, हर दूसरे दिन यहाँ कुछ उत्सव हो रहे होते हैं, कुछ ना कुछ आयोजन हो रहा होता है, चाहे जो भी है, खूब भगवान के लिए मेहनत करना उसके बाद प्रसाद पाना, ये भी एक ऑपुलेंट जिंदगी आज की डेट में, और भक्तों को ये स्वतः मिल जाती है। तो इसलिए कह रहे हैं तुम्हें पर्याप्त भोजन मिलेगा, इच्छानुसार भोजन कर पाओगे, डोंट वरी अबाउट अदर थिंग्स, बाकी कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। इसी चक्कर में हम लोग इतना इकट्ठा कर लेते हैं कि सारी उम्र उसी में निकल जाती है। हाँ, ये शादियाँ कैसे होंगी, चार शादियाँ हैं और ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद वो है, उसके बाद इनको सेटल करना है, उसके बाद ये, इस चक्कर में हमारा सारा जीवन इसी में निकल जाता है। चपल सुख लब लागी रहे। तो जब मनुष्य कृष्ण भावना में स्वीकार करता है तो उसे भौतिक आवश्यकताओं की परवाह नहीं करनी चाहिए, उतारे प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसा, ऐसा प्रभुपाद कह रहे हैं। और जो लोग प्रभुपाद के अनुसार ना बोल के कुछ और बोलता है वो फिर ढोंगी हुआ, वो परंपरा में कहाँ है। कई लोग ऐसा करते हैं, कई बार कुछ ऐसे हमारे मार्गदर्शक बन जाते हैं, ऐसा हम बना लेते हैं ऐसे लोगों को अपना कंसल्टेंट, हाँ, जो कि हमें बड़ा शुभचिंतक लगते हैं, क्यों, क्योंकि हमें सब स्टैंडर्ड बातें बताते हैं, इसलिए हमें बड़े अच्छे लगते हैं वो लोग। हाँ, यहाँ पर तो बहुत ही रूढ़ीवादी हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, बहुत ही कड़ी बात बोलते हैं। गुरु के कृपा को लेने के लिए एकमात्र तरीका बताया गया कि गुरु की आज्ञाओं का हृदय से पालन करना, इसी से गुरु की कृपा मिलती है, ऑब्वियसली, है ना। यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि करना क्या चाहिए। जब मनुष्य कृष्ण भावना में स्वीकार करता है तो उसे भौतिक आवश्यकताओं की परवाह नहीं करनी चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि वे अपने भक्तों की सारी आवश्यकताओं को स्वयं वहन करते हैं, योगक्षेमं वहाम्यहम्। हमारी आवश्यकताओं को जरूरी नहीं है कि वो हमारी आवश्यकता हो जो कृष्ण नहीं वहन कर रहे हैं। हमने देखा है प्रभु जी, हम आप तो कह देते हैं कि आवश्यकताएं पूरी करते हैं, लेकिन हमें देखता है कितनी मुसीबत आई थी। उस भक्त ने सब कुछ त्यागा था, उसके बाद में एक दिन वो बीमार पड़ गया, उसके पास कोई नहीं था, हम नहीं कर सकते ऐसा, ऐसे ऐसे विचार आ जाते हैं। जैसे अभी मैंने बोला कि मारा भी कहते हैं राखे कृष्ण मारे के, तो मारे कृष्ण राखे, कोई कृष्ण अगर किसी को मारने पर उतारू हो जाए तो कौन उसको बचा पाएगा। जयद्रथ जैसा व्यक्ति जो कि सूर्य अस्त के बाद
वचन लिया था अर्जुन ने कि उससे पहले ही मारना है, वो व्यक्ति मारा गया उस दिन। इस तरह से कुछ हो गया, एक तरह से सूर्यास्त दो बार हो गया। तो क्या क्या भगवान के, व्हाट इज देयर इन फॉर कृष्णा के लिए क्या असंभव है, इसलिए मारे कृष्ण राखेंगे। तो अगर कृष्ण मारना चाहेंगे तो कौन कौन दुनिया में ऐसा है जो बचा सकता है, वो बचा सकता है नहीं। यही सोचना चाहिए कि जो कृष्ण ने हमें नहीं प्रोवाइड किया वो हमारी ज़रूरत था ही नहीं कभी, इसलिए हमें मिला नहीं। इसलिए कहते हैं योग क्षेम भाव में, भक्तों की आवश्यकताओं को स्वयं वहन करते हैं, जितनी उनको ज़रूरत है उतना वो अवश्य प्रोवाइड करते हैं। आखिर मनुष्य जीवन की आवश्यकताओं के प्रति चिंतित क्यों हो, प्रभुपाद कह रहे हैं, वाई। शिला प्रभुपाद भी एक गृहस्थ थे, ऐसा नहीं है कि कई लोग कहते हैं शिला प्रभुपाद ने 70 साल की उम्र में, अगर सत्य शिला प्रभुपाद के पहले की जीवन देखेंगे तो उसमें भी वो पूरी तरह समर्पित थे। वो अपनी फार्मेसी से जो भी कमाते थे वो अपने गुरु की लिए डोनेशन दे देते थे। जहाँ जहाँ उनके सेंटर खुलते थे, गौड़ीय मठ खुलते थे, पुस्तकें छपती थी, प्रभुपाद उसके लिए ही कमाना। कई बार उनको हम जब लीलामृत पढ़ते हैं तो उसमें लिखा आता है कई बार कि प्रभुपाद की यही इच्छा थी कि मैं किस तरह से कमाऊँ और इन कार्यों में दे पाऊँ, बींग ग्रस्त ऑल्सो, क्योंकि उनके बच्चे भी थे। इस प्रकार से उन्होंने पूरा जीवन इसी में लगा दिया। कई बार उनके बच्चे हम पढ़ते लीलामृत में होते थे, हमारे को नौकर की आवश्यकता है, हमारे को इसकी आवश्यकता है, धन भेजिए। वो कहते धन नहीं है अभी मेरे पास भेजने के लिए, वो सारा धन तो इधर ही लगाते थे अपने गुरु भाइयों के साथ, उन्हीं के ऊपर, गुरु के परंपरा के ऊपर। तो इसलिए प्रभुपाद भी हमारी तरह ही रहे वो, ये तो कोई कहेगा प्रभुपाद तो ऐसे थे, वो तो ब्रह्मचारी थे, वो तो ये थे। कहते हैं आखिर मनुष्य जीवन की आवश्यकताओं के, मनुष्य को जीवन की आवश्यकताओं के लिए चिंतित क्यों होना चाहिए। क्या सोचने की बात है, क्या बच्चा ये सोच के पैदा हुआ था कि जैसे ही पैदा होगा तो चबा तो पाएगा नहीं, दांत तो होते नहीं बच्चे के। और दूध, दूध भी कैसे, माँ के स्तनों में अपने आप दूध आया था, अपने आप, कोई कुछ करता नहीं। कोई माता कोई टॉनिक नहीं पीती है प्रेगनेंसी के दौरान कि वो दूध जनरेट हो जाए, वो होते ही जनरेट हो जाता है और उसके पहले होता भी नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान ने बहुत सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं ऑलरेडी, हमारी चिंता के बिना भी कई सारी चीज़ें चल रही हैं, हमारी चिंता के बिना भी हमारे फेफड़े रात भर चलते हैं। हम चिंता नहीं करते हैं कि मेरे फेफड़े रात को चलेंगे कि नहीं चलेंगे, बंद हो गया तो सोते सोते मुझे पता ही चलेगा और मेरा हरी बोल हो जाएगा, सोते सोते भी सब कुछ चल रहा है, हमारी चिंता नहीं हो रही है उसमें। हम तो कुछ और ही चिंता कर रहे हैं, सपनों में कहीं और दुनिया में घूम रहे हैं और सारा शरीर अपने आप काम कर रहा है। हाँ, हम देखते हैं घर में, ऑफिस के अंदर एम्प्लॉयज़ भी अपने आप काम नहीं करते हैं जब तक उनके ऊपर कड़ी निगरानी ना करी जाए। कोई भी आप एम्प्लॉयमेंट कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, उसमें आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, लेकिन ये शरीर एक ऐसी चीज़ है कि अपने आप ही फड़क रहा है, धड़क रहा है, सारे काम चल रहे हैं। दैट मीन्स कृष्ण है जो इसको शक्ति प्रोवाइड कर रहे हैं कंटिन्यूसली। तो इसलिए मनुष्य को अपनी जीवन की आवश्यकताओं के प्रति इतना चिंतित होने की आवश्यकता है। फिर काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, काम करना चाहिए इसलिए ताकि बाकी लोग बिबिल्डर ना हो जाए। भक्त को यही सोच के काम करना चाहिए, बस मैं इसलिए काम कर रहा हूँ कि संसार में गलत एग्जाम्पल ना सेट हो जाए, बस और कोई कारण नहीं है। अदरवाइज कृष्णा विल प्रोवाइड मी एवरीथिंग। श्रीवास ठाकुर का हम एग्जाम्पल सुनते हैं। श्रीवास ठाकुर गृहस्थ थे और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, हे श्रीवास तुम कुछ करते क्यों नहीं हो, तुम दिन रात हरि नाम करते हो, हरि नाम। श्रीवास ठाकुर ने कहा, देखिए चैतन्य महाप्रभु, मेरे जीवन में जो ज़रूरत होगी मैं 3 बार ताली बजाऊंगा, पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार ताली बजाने पर अगर वो मेरे सामने आई नहीं चीज़, वो ज़रूरत, तो मैं गंगा में कूद के मर जाऊंगा। इतना उन्हें भरोसा था कि यदि वो भगवान की भक्ति में टोटली अपने आप को डाल देंगे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी आवश्यकता नहीं रहेगी, और ऐसा ही होता है। और ऐसा नहीं उनके जीवन में कष्ट नहीं आया, फिर उनके जीवन में उनके बच्चे की मृत्यु हो गई, बहुत बड़ा लॉस। अब बच्चे की मृत्यु हो गई तब भी उन्होंने संकीर्तन को बंद नहीं होने दिया, ये भी एक गृहस्थ का एग्जाम्पल है। तो इट इज़ नॉट कि ब्रह्मचारी या सन्यासी ही इतने एक्सट्रीमिस्ट सोचते हैं, ये एक्सट्रीमिज्म नहीं है, ये है सरेंडर, डिवोशन, फेथ, श्रद्धा, ये उसका नाम है। तो शिवाज ठाकुर भी एक ऐसी भक्त थे जिन्होंने जीवन की आवश्यकताओं की चिंता नहीं करी, लेकिन ये लोग काम करे, इन्होंने काम किया, कुछ कुछ किया, हमेशा एक्टिव रहे ताकि समाज में एक एग्जाम्पल सेट हो सके। तो ब्राह्मण लोग प्रचार करें और वो अपनी ज़रूरतों का नया ध्यान दें, बाकी जो है वो भी अपना कार्य इस प्रकार से करें कि ये नहीं कि हम कार्य नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे। तो इसलिए इस चक्कर में हम अपने भक्तिमय कार्यों को छोड़ें ना, जो भगग्रस्त काम कर रहे हैं
वो भी इतना काम करें कि कोई भक्तिमय कार्य छूट ना जाए, इस तरीके से करें। और बाकी ज़रूरत कृष्ण प्रोवाइड करेंगे, जैसा कि यहाँ लिखा जा रहा है कि सिद्धांत यह होना चाहिए कि जितने की नितांत आवश्यकता हो उतनी, उससे अधिक की इच्छा ना करें। नितांत आवश्यकता, बहुत अर्जेंट, मतलब ये बिल्कुल बेयर मिनिमम कहते हैं इसको, बेयर मिनिमम चाहिए ही चाहिए प्राण को शरीर के साथ रखने के लिए उतना। तो अत्याहार जिसको हम कहते हैं, अत्याहार प्रयास, ये दो चीज़ें हैं आउट ऑफ सिक्स जो भक्ति को नाश कर देती हैं, प्रजल्पा नियमाग्रह इत्यादि के साथ साथ अत्याहार और प्रयास। अत्याहार जब हम करते हैं उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, अत्याहार करते हैं ज़रूरत से अधिक एक्यूमुलेट करना, खाना या धन एकत्रित करना, कपड़े भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ज़रूरत से अधिक। ज़रूरत कितनी है ये हमारे सीनियर्स हमें बता देते हैं, क्योंकि हमारा मन तो कहता है ये भी ज़रूरी है, इतना भी ज़रूरी है, ये भी तो ज़रूरी है, ये भी तो ज़रूरी है। ध्यान रखिए कहीं हम अपने मन द्वारा छले ना जाएँ। समटाइम्स यू कम वेरी इंटेलिजेंट कि मैंने बड़ी इंटेलिजेंटली सारे काम मैनेज कर लिए, वहाँ पर चला गया शक्ल दिखाने के लिए और शक्ल दिखा के आ गया और फिर अपना ऑफिस का काम भी हो गया और उधर शक्ल भी दिखाया। ध्यान रखिए आप किसको शक्ल दिखा रहे हैं। कई बार हम गुरु के चक्कर में इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि गुरु को किस तरह प्रसन्न करना है। ध्यान रखिए गुरु के साथ परमात्मा को तो प्रसन्न करना है, कृष्ण को भी तो प्रसन्न करना है। गुरु को प्रसन्न करने का मतलब यह है कि उनको शक्ल दिखा के प्रसन्न कर लिया कि हम तो थे, उसके बाद हम कहीं यहीं कहीं थे, उसके बाद हम कहीं अपने भौतिक कार्यों में लग गए। लेकिन परमात्मा कृष्ण तो देख ही रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और गुरु भी, भगवान भी तो गुरु के हृदय में ही है बैठे, तो वो क्यों नहीं उनको इस चीज़ का से अवगत कराएंगे कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है। आगे सूनर और लेटर चीज़ें रिवील हो जाती हैं अपने आप, क्योंकि कृष्ण हम सबके हृदय में बैठे हैं। इसलिए हमें बड़ा ईमानदार होना चाहिए, जितनी आवश्यकता है नितांत आवश्यकता उससे अधिक की इच्छा हम ना करें, ताकि ये बड़े घाटे का सौदा है। हमें लगता है कि हमने बड़ा फ़ायदा कर लिया, उधर भी शक्ल दिखा दी, उधर भी अटेंडेंस लगा दी, इधर भी अटेंडेंस लगा दी और ये भी कर लिया। ये हमने एक्चुअली में कोई भी काम ठीक से नहीं किया इसका मतलब। तो नारद मुनि शिकारी को उपदेश देते हैं कि जो उसे तथा उसकी पत्नी के लिए नितांत आवश्यकता है उतना ही स्वीकार करे। दिस मैसेज इज फॉर गृहस्था, नॉट फॉर अ ब्रह्मचारी। भक्त को चाहिए कि खाने के लिए जो नितांत आवश्यक वस्तु हो उन्हीं का उपयोग करे और अनावश्यक आवश्यकताओं को जन्म ना दे। बहुत सारी वैरायटी बननी चाहिए, रोज़ कोई नई आइटम बननी चाहिए। ये भक्तों का काम नहीं है क्योंकि उसमें समय जाता है। भक्त अपने घर में ऑल्टर के लिए बना सकते हैं, लेकिन उसमें भी आप सोचिए, एग्जाम्पल सनातन गोस्वामी का, सनातन गोस्वामी राधा मदन मोहन को जो साक्षात उनके साथ लीला करते थे, बातचीत करते थे, उनको बोलते थे हे मदन मोहन मैं तुम्हारे लिए ऑपुलेंट खाना नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे ग्रंथों को लिखना है, तुम्हारा प्रचार करना है, चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों को पूरा करना है, मंदिरों का निर्माण करना है, लीला स्थलियों को खोजना है। अगर मैं तुम्हारे लिए 56 भोग बनाने में लग गया तो ये काम नहीं होगा, इसलिए मैं ये आटे का गोला बना के मैंने आग में पका दिया है। जैसे बाटी बनती है, बाटी तो हम बहुत टेस्टी, साथ में दाल होती है, घी में डूबी होती है, उस बाटी में नमक भी नहीं होता था। मदन मोहन ने बोला कि कम से कम नमक तो डाल दो, इतना तो कर सकते हो। बोला नहीं भैया, आज नमक लेके आऊँगा, कल तुम कहोगे कि मेरे को घी भी दो। हाँ, तो जितना मैं खा रहा हूँ उसमें खा लीजिए आप प्लीज़। हाँ, और इस प्रकार से एक पेड़ के नीचे वो एक झोला, एक टहनी में एक झोला बांधते थे और झोले में मदन मोहन को सुला देते थे। मंदिर नहीं था, मंदिर तो बाद में अपने आप भगवान की कृपा से, योगक्षेमम वाम्यम, एक व्यापारी आया और जो आप जानते हैं कथा को किस प्रकार से व्यापारी ने उस मंदिर को बनाया। तो ये दिस इज एन एग्जाम्पल। कई बार भक्त बोले कि मैं तो भगवान के लिए संगमरमर का ऑल्टर बना रहा हूँ। बना सकते हैं यदि आपके पास इतना धन है कि आपको सोचना नहीं पड़ रहा है उसके लिए, तब तो ज़रूर बहुत ही ऑपलेंट होना चाहिए। जितनी भी क्षमता है उसके हिसाब से ऑपलेंट करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि हम गुरु की, भगवान की। कई लोग क्या करते हैं, अपने ही घर में अपने ऑल्टर में ही पूरे दिन लगे रहते हैं। उनके उनके पास समय नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऑल्टर में इतना काम फैला लिया है, इतना बड़ा बना लिया है, उनको बड़ा आनंद भी आ रहा है उसमें, लेकिन गुरु की ये इच्छा नहीं है। राइट, हमारी परंपरा में प्रचार मुख्य कार्य है, हमें निकलना पड़ेगा, संघ में जाना पड़ेगा, सारे काम करने पड़ेंगे। हम जाते हैं मंदिर में जाते हैं, उसके बाद हम संकीर्तन में जाते हैं, उसके बाद हम प्रसाद वितरण भी करते हैं, उसके बाद हम यात्राओं में जाते हैं, तो सारे काम हम करते हैं। अगर हम घर में ही बैठे रहेंगे तो फिर तो सनातन गोस्वामी भी, जिनके साथ भगवान डायरेक्ट बात करते थे, क्यों ना केवल उन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं।
खास तौर पे हमारी परंपरा में तो ये इंस्ट्रक्शन है कि प्रचार ही सार है। तो इस प्रकार से जब हम प्रचार करते हैं तो कई वस्तुओं को त्यागना पड़ता है, कई वस्तुएं हम नहीं कर पाते, हो सकता है हम पहले ज़्यादा कमा पाते, यस अब नहीं कमा पा रहे, बट अल्टीमेटली उस कमाई का क्या लाभ है, सोचने की बात यह है। इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि जो नितांत आवश्यकता है उसी का उपयोग करें, उसी को अनावश्यक आवश्यकताओं को जन्म ना दें, ऐसा प्रभुपाद हमें बता रहे हैं। तो ऐसा मृगारी को बताया गया। तब ऐसे ही मृगारी तीने नारद सुस्त कैला, सुस्त हैया मृगादी तीने धाया पलाइला। और उसके बाद वो तीनों पशु जो अधमरे थे नारद मुनि द्वारा पुनः जीवित कर दिए गए, वे पशु उठकर तेजी से भाग गए। ये थी नारद मुनि की शक्ति। नारद मुनि चाहते तो पहले ही उन्हें मुक्त कर देते, लेकिन नारद मुनि ने एक व्यक्ति को सुधारना था। हाँ, नारद मुनि ने कंबल नहीं बांटने थे, हाँ, और पशुओं को पशु चिकित्सालय भेजकर पुण्य नहीं कमाना था। नारद मुनि को तो उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तन करना था। और इस प्रकार से वो तेजी से भाग गए। और शिकारी ये सब देखता है, देखी या व्याध हेर मने हैला चमत्कार, घरे गेला व्याध गुरु के करी नमस्कार। और शिकारी ने अधमरे पशुओं को भागता हुआ देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। तब उसने नारद मुनि को सादर नमस्कार किया और अपने घर लौट आया। देखिए, धनुष वो पहली हाँ तोड़ चुका है, आप ये नहीं कह सकते उसने चमत्कार को नमस्कार किया। हाँ, और चमत्कार ही अगर देखना है तो हम देख चुके हैं चमत्कार। इस्कॉन में जो हमने देखा है वो चमत्कार है, इससे बड़ा चमत्कार हमें क्या देखना है। प्रॉब्लम यह है कि सूर्य को रोज उगता हुआ देखते हैं तो हमें लगता नहीं है चमत्कार है। चंद्रमा को इतना बड़ा एलईडी लाइट तो हमने अब बनाई, भगवान ने कब से एलईडी लाइट बना रखी है। व्हाइट व्हाइट लाइट कितनी अच्छी लगती है ना, कभी हमें येलो लाइट अच्छी लगती है, कभी हमें व्हाइट अच्छी लाइट। आजकल ऐसी लाइटें आ रही हैं कि एक ही लाइट में येलो भी है और व्हाइट भी है। सोचिए, भगवान ने करोड़ों अरबों साल पहले ये दोनों तरह की लाइट बना रखी है, हमने तो अब बनाई है। लेकिन ये चमत्कार कौन, किसका समय है किसके पास इन चमत्कारों को देखने का। कितनी बढ़िया सी अच्छी सी रोशनी होती है चांदनी रात में। और इस प्रकार से हमारे जीवन में चमत्कार हो रहे हैं, हम कह रहे हैं इस्कॉन में अनेक चमत्कार हम देख चुके हैं। तो हमें विश्वास होना चाहिए, हम कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। नया तो शिला प्रभुपाद ने किया, नया भक्ति सिद्धांत और हमारी गुरु परंपरा ने किया, हम नया कुछ नहीं कर रहे हैं। हम तो जो प्रूवन है उसी को प्रूव करने में लगे हैं, तो कम से कम उस पर तो हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। तो जो था व्याध या मृगारी नमस्कार करके अपने घर लौट आता है। अब घर में क्या है, घर में क्या आप कहोगे जी, पत्नी से बात करेगा पहले तो। अब आधे आधे धार्मिक अनुष्ठानों में ऐसा देखा गया है कि पत्नी अड़ंगा डाल देती है, क्योंकि इस तरह से उनका स्वभाव इतना दृढ़ श्रद्धा बुद्धि से इतना काम नहीं ले पाती है, शरणागति एकदम से नहीं हो पाती है, या मल्टीपल के प्रति हो जाती हैं अक्सर देखा गया। हाँ, ये ऐसा बताया गया शास्त्रों में, इस कारण से ऐसा देखा गया अक्सर कि पुस्तक धार्मिक पुस्तकों लेते हुए भी कई बार हमने देखा कि आदमी ने ले ली और उसकी पत्नी ने कहा क्या जरूरत है, घर में तो पढ़ी है ना, ये है वो है, पहली वाली तो पढ़ते नहीं हो। अब ये जो घर में गया है, अब जो घर में बोलेगा जी मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, सबसे पहले चिल्लाएगा कौन, सबसे पहले चिल्लाएगी पत्नी, नौकरी छोड़ रहे हो, कैसे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो यथास्थाने नारद गेला व्याघ घर अइला, नारद देर उपदेश सकल करीला। और नारद मुनि का वार्ता वो सुनकर नारद, इसके बाद नारद मुनि अपने गंतव्य चले गए और शिकारी घर लौटकर नारद के उपदेशों का अक्षरशः पालन करने लगा। उसने ये नहीं सोचा कि कौन है कौन नहीं मानेगा, उसने अपने घर वालों को कन्विंस किया और जैसा बोला था एक एक शब्द वर्ड बाय वर्ड उसके उपदेशों का पालन करना, अक्षरशः एकदम जैसा बोला था। ये नहीं कि ये नहीं, इसमें से इतना प्रैक्टिकल है, इतना प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसा है नारद मुनि, एकदम से थोड़ी होता है सब कुछ, टाइम लगता है सब चीज़ों में। अभी मैं जा रहा हूँ, कुछ करता हूँ, धीरे 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 करता हूँ, अगले 6 महीने 1 साल में प्लान बनाते हैं, ऐसा हम अक्सर बोलते हैं बींग प्रैक्टिकल कईयों के साथ, क्योंकि उनकी शरणागति इतनी नहीं होती। नहीं तो इट डज़ नॉट टेक टाइम। हमारे पास कितने इस्कॉन के ऐसे लोग हैं जो इस्कॉन में आए और उसी दिन ज्वाइन कर लिया, थोड़े दिनों में उनकी ब्राह्मण दीक्षा हो गई, फिर संन्यास दीक्षा, ब्रह्मचारी दीक्षा हुई, संन्यास दीक्षा हुई, ऐसे कई सारे लोग हैं। आई बिलीव आई रिमेंबर हिज ओनलीनेस चारू भक्ति चारू स्वामी महाराज जो अब शरीर त्याग चुके हैं, उनका जहाँ तक मुझे याद है संन्यास और ब्रह्मचारी दीक्षा एक ही साथ हुआ दोनों, सोचिए। तो ऐसे ऐसे लोग इस्कॉन में आए जो कि आए और ख़त्म, दैट्स इट।
हमें बहुत साल लग जाते हैं क्योंकि हमारी श्रद्धा कोमल है, कोमल भी नहीं है ना के बराबर है। तो जो भी ये टाइम लगता है ना, हम कहते हैं बींग प्रैक्टिकल, चलो स्लो चलो, ये बिकॉज ऑफ आवर हमारी कमजोरी है, अदरवाइज इसमें समय की आवश्यकता नहीं है। इट हैपन्स इंस्टेंटली बिकॉज टाइम बहुत कम है वास्तव में, इस कारण से इंस्टेंट की आवश्यकता है। तो कितने ऐसे हमने एग्जाम्पल देख लिए हैं अपनी आंखों से कि लोग आए और उन्होंने थोड़े दिनों में सब कुछ छोड़ दिया, खाना पीना लहसुन प्याज जो भी वो खाते पीते थे, उसके बाद में सोलह माला पे आ गए और तुरंत सब कुछ अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अनेक अनेक एग्जाम्पल हमें दिखते हैं ऐसे, और कई हमें दिखते हैं 5 साल हो गए अभी तक वो 16 माला पे नहीं पहुँचे, बाकी चीज़ें तो छोड़ दी, समर्पण कमिटमेंट। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि अभी तक हमें लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, हमें इवन यात्रा के लिए भी हमें फ़ोन करने पड़ते हैं, अब चलिए, नहीं नहीं अभी तो ये काम है, अभी तो वो काम है, अभी तो ये है। तो ये समझना पड़ेगा यहाँ पर इस ये जो मृगारी था, ये बस एक तरह का शूद्र, नॉट एन इंटेलिजेंट पर्सन, बट उसने अक्षरशः पालन किया। शिकारी घर लौटकर अपने गुरु नारद के उपदेशों का पालन करने लगा। ग्रामे ध्वनि हईला व्याध वैष्णव हईला ग्रामे रह लोक सब अन्न आनीते लागिला। यह समाचार सारे गांव में फैल गया कि शिकारी वैष्णव बन गया है। सारे ग्रामवासी भिक्षा लाकर उस वैष्णव को देने लगे जो पहले एक शिकारी था। हमेशा अच्छी एंडिंग नहीं होती है, ये ध्यान रखिए, जरूरी नहीं है कि ऐसी अच्छी एंडिंग। मैं कई बार बताता हूँ एग्जाम्पल जगाई और मदाई का। जगाई मदाई ने जब ऐसा किया नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महापुरुष के कहने पर, उन्होंने भी सब छोड़ दिया तुरंत, लेकिन उनके ऊपर लोगों ने पत्थर मारे, पत्थर फोड़ दिया सर। पहले कोई मार नहीं पाता था, पहले लोग डरते थे कि मार देंगे हमको, अब उन्हें पता है मारेंगे नहीं। अब लोगों ने उनको पत्थर मार के बदला निकालना शुरू किया, लेकिन उन्होंने पत्थरों को खाया, उन्होंने रिवोल्ट नहीं किया। देखो देखो, मैं एक तो क्षमा मांग रहा हूँ, माफ़ी मांग रहा हूँ, ये लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो कई बार बुरा भी हो सकता है, और इसके एग्जाम्पल हैं, और उन लोगों ने उसको सहन किया, और इस कारण से आज की डेट में जगाई मदाई जो कि सारे पाप कर चुके थे, वो इतने महान भक्तों के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन यह मृगारी के साथ कुछ और हुआ, सब लोगों के प्रति, सब लोगों के हृदय में बड़ा करुणा आ गई, और उसके लिए हाँ कुछ कुछ भिक्षा लाकर देने लगे, खाने पीने का सामान देने लगे। जनता का कर्तव्य है, बता रहे हैं प्रभुपाद, जब किसी संत पुरुष वैष्णव या ब्राह्मण का दर्शन करने जाए तो कुछ भेंट प्रदान करे। इसके कई लाभ हैं, इसका एक तो रिलेशनशिप बनती है, रिलेशनशिप बनने के अलावा साथ में क्या होता है, साथ में उनकी ज़रूरतें भी पूरी होती जाती हैं। ताकि बेसिकली हमारा ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को सोचना ना पड़े जीवन के ज़रूरतों के बारे में। अगर वो सोचेंगे तो क्या होगा, तो उनका सारा समय इसी में निकल जाएगा, और सारा समय जब इसी में निकल जाएगा तो फिर वो असली काम नहीं कर पाएंगे जिसके लिए उनकी ज़रूरत है, प्रचार कार्य। तो इसलिए बताया कि जब भी ऐसा कुछ करें तो भेंट प्रदान करें। हर वैष्णव कृष्ण पर आश्रित है और कृष्ण जीवन की सारी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, करते रहते हैं। यदि कोई वैष्णव अपने गुरु द्वारा निर्दिष्ट नियमों का पालन करता हो, हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में अनेक गृहस्थ हैं, वे आंदोलन में सम्मिलित होकर संघ के केंद्रों में रहते हैं। उस वक्त जब शुरुआत में इस्कॉन खुला था तो गृहस्थ लोग भी अंदर ही रहते थे, अब ऐसा नहीं है, बाद में फिर ये को चेंज करना पड़ा क्योंकि कुछ समस्या आने लगी। गृहस्थ और ब्रह्मचारी एक साथ रहना भी अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि ब्रह्मचारी को थोड़ा सा इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, बच्चे नारी। तो इस प्रकार से पहले लेकिन साथ में रहते थे, वे आंदोलन में सम्मिलित होकर संघ के केंद्रों में रहते हैं, किंतु यदि वे इस अवसर का लाभ उठाते हैं परंतु कोई काम नहीं करते और आंदोलन के खर्च पर प्रसाद पाकर सोते रहते हैं तो अपने आप को खतरनाक स्थिति में डाल देते हैं। यस, इसका मतलब ये ऐसा नहीं, हमें ना हमें संस्था के ऊपर डिपेंड ना रहा जाए, ये भी बड़ा ज़रूरी है। और अगर डिपेंड रहा जाए, क्योंकि कई गृहस्थ हैं ऐसा जो कि अपने धन पूंजी के लिए उन्हीं पर डिपेंड, लेकिन वो फिर फुल टाइम काम करते रहते हैं, वो फिर ये नहीं देखते कि मेरी सैलरी इतनी है जी, इतना तो मैं बाहर जाता तो मैं इतना कमा लेता, मेरी छुट्टी भी होती, अभी तो ना तो छुट्टी है मेरे को तो 24। अरे छुट्टी कहाँ से होगी, ये वो वाली सेवा थोड़ी है, ये तो आपकी भक्तिमय सेवा, भक्तिमय सेवा में कैसी छुट्टी। लोग नौकरी पे जा रहे हैं, वो नौकरी के बाद भी तो सेवा ही कर रहे हैं, उनकी छुट्टी कहाँ हो रही है, तो फिर आपकी छुट्टी क्यों होगी। लेकिन फिर हम कैलकुलेट करने लगते हैं, 8 घंटे की नौकरी होती है, यहाँ तो मैं 15 घंटे लगा हूँ। इसलिए लगे हैं क्योंकि आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं वास्तव। तो ये ध्यान रखें, और यदि हमारे अंदर इतनी शुद्धता नहीं है तो देन दैट इज़ बेटर कि हम लोग अपनी
ज़रूरतों को खुद ही पूरा करें मिनिमम काम करके, और बाकी समय हम भक्ति में लगाएं, ताकि हमें फिर हमारे मन में कल को ये विचार ना आ जाए कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझे इतना कम पैसे दे रहे हैं, काम इतना ले रहे हैं इत्यादि, या बिजनेस माइंडेड ना बन जाएं, हम मंदिर के साथ कुछ डीलिंग करें उसमें कुछ डंडी मारने लग जाएं, कुछ छपवाया, कुछ प्रिंट कराया, या कुछ गिफ्ट खरीदा, या कुछ पुस्तकों को बंटवाया, कुछ पुस्तकों को बटाया, कुछ पैसा अपनी जेब में डाल दिया, कुछ पैसा मंदिर में डाल दिया। पुस्तक थी 150 रुपये की, हमने बेची 160 रुपये की, 10 रुपये अपनी जेब में डाल दिए। हमने किसी की टिकट बुक कराई फ्लाइट में, हाँ, और वहाँ से कुछ कमीशन खा गए। तो ये बिजनेस मेंटेलिटी जो होती है कई बार हमें बहुत सारे फ्रॉड करने पर मजबूर कर देती है, झूठ बोलने में मजबूर कर देती है, और ऐसा हो चुका है इसलिए बता रहे हैं, और फिर हमारा सारा सत्यानाश हो जाता है। और यही काम से हम कारण से हम कहते हैं कि धाम में, कई लोग जैसे धाम में जाने को बोलते हैं, वहाँ भी गृहस्थ लोग धाम में भी जाके गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि उनके बच्चे हैं, बहुत कुछ है, अब उनको उनको पालने के लिए फिर हम कुछ काम शुरू करते हैं, तो कुछ वही सब बिजनेस मेंटेलिटी दिमाग में आ जाती है, और इसलिए धाम में जाके फिर अपराध करने लग जाते हैं। तो ये सारी बातें गृहस्थों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उन्हें अपना परिवार चलाना है तो परिवार को कैसे चलाया जाए, साधारण तरीके से चलाया जाए, बहुत बेस्ट करने के लिए। अगर भगवान ने नेचुरली अगर दिया है पैसा तो हम ठीक है, जितना उसके लिए करना चाहें अपने लिए रख सकते हैं, रूप गोस्वामी ने भी उसका सिद्धांत बताया है, लेकिन प्रचार कार्यों में भी हमें उसको लगाना चाहिए, ठीक है। तो बता रहे हैं कि अगर वो खाकर सोते रहते हैं तो अपने आप को खतरनाक स्थिति में डालते हैं, इसलिए उपदेश दिया जाता है कि गृहस्थों को मंदिर में नहीं रहना चाहिए, प्रभुपाद बता रहे हैं, इसलिए उन्हें मंदिर के बाहर रहकर अपना भरण पोषण करना चाहिए, मंदिर को देना चाहिए वास्तव में। एक्चुअली गृहस्थ एक ऐसा आश्रम है जो ब्रह्मचारियों को भी दे, जो सन्यासियों को भी दे, जो वानप्रस्थियों को भी दे, तीनों को देने का जो दायित्व है वो गृहस्था के ऊपर है। डोंट वरी, आपके ऊपर इतना अभी भी आपने कुछ ऐसा दिया नहीं, आप कहेंगे अरे मैं तो मर ही जाऊँगा, ऐसा मरने की आदत अभी भी नहीं आई है, क्योंकि अभी भी आप कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन भगवान सब कुछ कर रहे हैं। तो ये तो आप जितना करना चाहें कर सकते हैं, आप हमारे हमारे अपने लाभ के लिए। फिर भी हम ये कहते हैं कि किसी को कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, जिसको जिसका जरा सा भी मन में खटास है या उसके मन में दर्द होता है तो फिर ना ही दे तो अच्छा है, क्योंकि दर्द के साथ देने में फिर वो अपराध होते हैं। हाँ, देर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्यों? क्योंकि कृष्ण लक्ष्मी पति हैं, इसलिए कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं आपके हमारे देने या ना देने से, सारे काम फिर भी होंगे 100%। तो इसलिए उन्हें भरण पोषण करना चाहिए, किंतु यदि ग्रस्त लोग अधिकारियों के आदेशानुसार भगवान की सेवा में लगे रहते हैं तो मंदिर में उनके निवास करने में कोई हानि नहीं है। किसी भी स्थिति में मंदिर को खाने तथा सोने का स्थान नहीं बनाना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मंदिर को या भक्तों के बीच में हम खाने और सोने लग जाएं, आराम पसंद हमारी ज़िंदगी हो जाए। हमें सोचना चाहिए कि किस स्थिति से हमें उबारा गया था, और जब हमें भक्तों ने सहारा दिया था तब हम बड़े ग्रेटफुल थे कि प्रभु जी किसी तरह आपने मुझे बहुत अच्छा कर दिया, मेरे को समाज में इधर उधर नहीं जाना पड़ा, मैं आप ही के साथ हूँ, यहीं रहूँगा। तो हमें अपना जीवन सबको समर्पित करके रखना चाहिए हमेशा, इसलिए मैंने बताया कभी ये नहीं आना चाहिए हम तो मर गए, इतना काम करा लिया। मंदिर के प्रबंधक को इन बातों के विषय में विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए कि कोई व्यक्ति आराम करता हुआ ना पाया जाए, मतलब आराम करे जितना आराम जरूरी है, ऐसा ना हो कि वो निरंतर आराम करने के लिए वहाँ बैठा रहे, ये बड़ा ज़रूरी है। तो इस प्रकार से बड़ा ही महत्वपूर्ण उपदेश दे रहे हैं यहाँ पर मृगारी के माध्यम से हमको, और एक मृगारी जैसा व्यक्ति जो कि साधारण एक तरह से अनपढ़ डम एक तरह से पापी व्यक्ति को के भी समझ में आ गया, और उसने नारद मुनि की बातों को एक एक शब्द के अनुसार उसका पालन किया, और तुरंत उसको रिजल्ट दिखने लगा कि उसके गाँव वाले उसको ज़रूरतें की पूरी कर पूर्ति करने लगे। लेकिन आगे जाके इसके अंदर कितना परिवर्तन आएगा ये हम सुनेंगे आगे, कि एक व्यक्ति कैसे, जो हम कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, कैसे एक साधारण सा व्यक्ति या पापी व्यक्ति भी धर्मात्मा बन जाता है यदि वो गुरु शास्त्र की बातों का पालन करे। तो यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय।